नमस्कार मित्रों, तारा सिंह की वो नाम है जिससे पाकिस्तान घबराता है। वहां भगदड़ की स्थिति बन जाती है। अब तारा सिंह के कारण भगदड़ की स्थिति यहां भी बनी हुई है, और ये भगदड़ तारा सिंह के डर की नहीं बल्कि उन्हें देखने की है। जैसे ही गदर 2 मूवी की एडवांस बुकिंग शुरू हुई, लोग टिकट खरीदने के लिए टूट पड़े। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो एडवांस बुकिंग के पहले ही दिन 30,000 से ज्यादा टिकट बिक। ये सच में बहुत बड़ी बात है। इसे आप बॉक्स ऑफिस पर आई सुनामी कह सकते हो। अभी तो फिल्म को रिलीज होने में 5 से 6 दिन हैं, तो इस बात के पूरे पूरे चांस हैं कि फिल्म एडवांस बुकिंग के सारे रिकॉर्ड्स तोड़ देगी। साथ ही 2023 की पहली या दूसरी हाईएस्ट ओपनिंग करने वाली फिल्म बन जाएगी। लोगों में एक क्रेज है, एक पागलपन है सनी देओल जी को फिर से तारा सिंह के रूप में देखने का। 2001 में आई गदर एक प्रेम कथा में जिस तरह से तारा सिंह अकेले ही पाकिस्तान जाकर पाकिस्तानियों के मुंह पर हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हुए दिखे थे, जिस तरह से उन्होंने नलोखाड़ कर उन सबकी कुटाई की, वही सब एक बार फिर से फील करने की प्रबल इच्छा है लोगों के अंदर। और गदर 2 के टीजर और ट्रेलर ने तो इस इच्छा को, इस उत्सुकता को और बढ़ा दिया है, क्योंकि ट्रेलर से पता चलता है कि 20 साल बाद भी सनी देओल जी के अंदर वही उत्साह, वही जोश अभी भी है। मतलब की 20 साल पुराने तारा सिंह को हमें वापस देखने का मौका जरूर मिलने वाला है। कुछ लोग है जो गदर 2 और ओएमजी 2 के बीच होने जा रही टक्कर को लेकर बहुत एक्साइटेड हैं। कहा यह जा रहा है कि दोनों ही फिल्में सेकंड पार्ट हैं। साथ ही दोनों ही फिल्मों के जो पहले पार्ट हैं, उन्हें जनता ने पसंद किया था, वो सफल रही थी। तो किसके सेकंड पार्ट को जनता प्यार देगी, ये देखना होगा। लेकिन यहाँ पर एक बात ध्यान रखनी चाहिए कि सेंसर बोर्ड और ओएमजी 2 के बीच हुए विवाद से ये स्पष्ट हो गया है कि ओएमजी 2 भारतीयों की भावनाओं को पूरी तरह से कुचलने का काम करने वाली है। और इसके पहले पार्ट को जिस तरह से सफल बताया जा रहा है, अगर वो आज की डेट में रिलीज किया जाता तो सुपर फ्लॉप रहता, क्योंकि तब में और अब में बहुत अंतर है। जनता अपने खुद के साथ हो रहे अन्याय को लेकर इतनी जागरूक नहीं थी, लेकिन आज की परिस्थितियां बिल्कुल भिन्न है। आज जनता ये समझती है कि कौन किस तरह से उनकी आस्था का मजाक उड़ाने का प्रयास कर रहा है, और न केवल समझती है बल्कि अहिंसक तरीके से प्रत्युत्तर देना भी जानते हैं। तो ऐसे में ओएमजी 2 जैसी घटिया फिल्मों का बॉक्स ऑफिस पर चलना कठिन है। साथ ही स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जब गदर 2 जैसी देशभक्ति के प्रेम से ओतप्रोत फिल्म जनता के सामने है, जनता क्यों अपने पैसे ऐसी फिल्म पर खर्च करेगी जो उसकी भावनाओं का मजाक उड़ाए? वो गदर 2 देखना पसंद करेगी। इसीलिए 11 अगस्त को कोई टक्कर नहीं होगी, बल्कि गदर 2 की सुनामी आएगी। हो सकता है अभी आप मेरी बातों से सहमत ना हो, कुछ दिन की प्रतीक्षा कर लीजिए, सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। वैसे मित्रों, आप तारा सिंह जी को देखने के लिए कितना एक्साइटेड हैं, और क्या आपने अपना टिकट बुक कर लिया है, यह हमें नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर आप बता सकते हैं। वीडियो अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय सियाराम, जय मां भारती।